कभी आपने इस बात को समझा है? यीशु मसीह ने सेविकाई जब अपनी की तो उनका हर दिन आनंद से बीतता था। हर पल, चाहे परीक्षा हो, चाहे सताव हो, चाहे कोई उनकी बात मानता था या नहीं मानता था, या कोई उन्हें कुछ भी कहता था, लेकिन उनका आनंद कभी नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने धार्मिकता नहीं छोड़ी। परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया है। बहुत ही अच्छा वचन है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा हम समझेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 1:9 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया है। तूने धार्मिकता से प्रेम किया है और अधर्म से बैर किया है। आपका अधर्म क्या है? क्यों आम मसीहों के जीवन में आनंद नहीं होता है? कई मसीहों के जीवन में, बहुत से मसीहों में मैं देखता हूं, उनके जीवन में आनंद नहीं होता है, शांति नहीं होता है, उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट रहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो अधर्म से प्रेम करते हैं। आपका अधर्म पता क्या है? दूसरों पर दोष लगाना आपका अधर्म है, अविश्वास करना आपका अधर्म है, दूसरों का न्याय करना आपका अधर्म है। ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। अगर हम समझे कि कोई निर्बल है, कोई अज्ञानी है, कोई गलती कर रहा है हमारा भाई बहन, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं न्याय करके। हम अपने आप को उससे ऊंचा समझते हैं और उसके लिए हम न्याय करते हैं कि हम उसका न्याय करें कि वो आदमी गलत है, वो बहन गलत है, वो भाई गलत है, और हम न्याय करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, जैसे ही आप न्याय करने की कोशिश करते हैं, आप उस अधर्म में प्रवेश कर जाते हैं, आप अधर्म के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही आप अधर्म के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं, मसीह की महिमा से आप दूर हो जाते हैं और शैतान आपके जीवन में काम करने लगता है और आपके जीवन में सताव आ जाता है और आनंद चला जाता है, जिस आनंद को परमेश्वर देना चाहता है। आप देखिए यहां पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि तूने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से तूने बैर किया, इसलिए तेरे सभी दोस्तों की अपेक्षा यीशु मसीह पर अभिषेक का तेल उड़ेला गया, आनंद का तेल उड़ेला गया, ताकि यीशु मसीह के जीवन में सदा आनंद रहे, सदा आनंदित रहे। वो खाते थे नहीं खाते थे तब भी आनंदित रहते थे। कोई उनकी बात मानता था या नहीं मानता था, उनके उपदेशों पर चलता था या नहीं चलता था, लेकिन उनका आनंद कभी कम नहीं हुआ। यही आनंद हमारे अंदर बना रहना चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, और ये आनंद तब बना रहेगा जब हम अधर्म से बैर करेंगे। और हमारा अधर्म क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलना है। हालेलुया। लेकिन अधर्म क्या है? हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी का न्याय नहीं करना है, हमें किसी के लिए नहीं कुड़कड़ाना है, हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। यही सारी चीजें हमारा अधर्म है, और जब इस अधर्म के साथ हम जीवन को बिताते हैं, अपने मसीह जीवन को बिताते हैं, तो अशांति हमारे हाथ में लगती है, निराशा हमारे हाथ में लगती है, हम संदेह के दायरे में रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा हमारा, हमारे अंदर व्याकुलता की भावना आती है कि पता नहीं हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमें यीशु मसीह ने चुना है सुख देने के लिए, हमें यीशु मसीह ने चुना है अपना पुत्र बनाने के लिए, हमें मंदिर कहा है उसने और अपनी आत्मा हमें दी है ताकि हम सुख भोगें, आशीष पाएं। इसलिए कभी भी हम किसी पर दोष ना लगाएं, हम उसकी धार्मिकता के अनुसार चलें। उसकी धार्मिकता क्या है? प्रार्थना करना, उपवास करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों जो निर्बल हैं उनकी सहायता करना, लोगों को उत्साहित करना, ये हमारी धार्मिकता है। अपना इनकार करना, ये हमारी धार्मिकता है। अपना क्रूस उठाकर चलना, ये हमारी धार्मिकता है। इसके अनुसार हमें जीवन को बिताना है मेरे भाई मेरी बहन। और जब आप इस अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, आनंद ही आनंद हर पल आपके जीवन में होगा।
हर पल वचन कहता है आनंद का अभिषेक, आनंद का तेल आपके सिर पर हर पल उड़ेला जाएगा और आप सदा आनंदित रहेंगे अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलेंगे, अगर आप अधर्म से बैर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। यूं ही आप ये वीडियो सुनते रहिए, शेयर करिए और लोगों को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू।